स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हरियाणा में एक कार्यक्रम में कुर्सी न मिलने के कारण दलित विधायक ने अपना दर्द बयां किया है। भिवानी में कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के विधायक बिशंबर सिंह वाल्मीकि ने कुर्सी न मिलने के बाद स्टेज को तुरंत छोड़ दिया और अपना विरोध जताना शुरू कर लिया। आपको बता दें कि बिशंबर सिंह वाल्मीकि भिवानी के भवानी खेड़ा से बीजेपी विधायक है। इस दौरान कार्यक्रम को कैप्टन अभिमन्यु संबोधित कर रहे थे, लेकिन वाल्मीकि नाराज होकर चल दिए। उन्होंने कहा कि मैं आज भी गुलाम हूँ, मुझे सीट पर बैठने नहीं दिया जा रहा है। नाराज वाल्मीकि को मनाने की लाख कोशिशें की गई, लेकिन वो नहीं माने। खबरों के मुताबिक स्थानीय अधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम में सभी के बैठने के सही तौर पर व्यवस्था की गई थी, लेकिन जब विधायक आए तो हर कोई व्यस्त था। उन्होंने कहा कि इस दौरान कुछ कार्यकर्ता कुर्सियों पर बैठ गए, जिसके कारण उन्हें सीट नहीं मिल पाई। इसमें असम्मान की बात नहीं है। करीब 10 मिनट तक सीआईडी इंस्पेक्टर आजाद ढांडा, सीटीएम महेश कुमार, तहसीलदार संजय बिश्नोई, भाजपा नेता ऋषि शर्मा के काफी समझाने के बाद विधायक को मनाया गया और स्टेज पर विधायक घनश्याम सर्राफ के पास बिठाया गया। मैं गुलाम हूँ, आज भी मेरे को स्पेशल दिया सिर्फ।